जाके नड्डा बोल रहा है कि हम लोग क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करेंगे, आप किसी को कैसे राजनीति में खत्म कर सकते हो? भाजपा के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनको हमने 4,500 वोटों से वहाँ पे शिकस्त दी और नरेंद्र मोदी के मौके पर एक बड़ा तमाचा लगेगा और मुझे आशा है उसके बाद देश के हालात सुधरेंगे, महंगाई पर भी काबू होगा। जो आडवाणी जोशी को किनारे कर सकता है वो देश का नहीं हो सकता है, ये देश की जनता को समझनी होगी, आप लोग समझ जाइए। जो आरएसएस के डीएनए में ही दोष है वो सावरकर के वंशज हैं, कभी भी देश का भला नहीं चाहे हैं, इतिहास रहा है। ठीक है बना के परोस रहे हैं लेकिन कभी भी आरएसएस के लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं। ये लोग मोदी को बाप मानते हैं, अरे बेवकूफ, मोदी तुम्हारा बाप होगा, पूरे देश का बाप थोड़ी है। लेकिन जब पत्रकार की ईमानदारी आप नहीं खरीद पाए तब चैनल को ही खरीद लिए। सच से तो डरता है, सच से मोदी डरता है। बड़े बड़े घपले, मोटे मोटे मगरमच्छ खा जाए, सब क्या नंगल जे हैं, खा लिया सारा देश, लूट लिया, नुखावन बड़के गए, आम जनता भूखी मरा है, खा लिया सारा सौदा। आप बताइए 8 साल में गरीबों के लिए कोई स्कीम आई? 5 किलो अनाज के अलावा और कोई स्कीम मोदी जी लाए क्या? किसानों के लिए उन्होंने कौन सी स्कीम लाए बताइए आप? 2,000 रुपए के अलावा कोई स्कीम उन्होंने लाए नहीं। तो यूपी में कई गाँव ऐसे है जहाँ मोदी जी से नफरत करते हैं लोग, उनको वोट देते ही नहीं, उस गांव में एक भी वोट नहीं मिला फिर भी वो वहां से जीते, कैसे जीत गए? भारत की आत्मा कांग्रेस है, जो भारत की आइडियोलॉजी है वही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। नेहरू पटेल जी ने कांग्रेस को सींचा है, ये विचारधारा, ये पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है, भारत की आवाज है कांग्रेस, इसको समझना होगा। कांग्रेस कभी खत्म नहीं हो सकती है। ये जो लोग बोलते हैं ना ये विरोधी सब, मोदी योदी सा, वो ये सब गलत बोलते हैं, कभी भी नहीं हो सकता है। केवल नफरत की राजनीति बोती है देश में, ये पता नहीं क्या हो रहा है। इसमें पूछते हैं कि क्या आप हिंदू हैं, इस तरीके से ये नफरत की राजनीति का बीज आरोपण कर चुके हैं, इसे देश का जनता दबाव दे रही है धीरे धीरे। आपने देखा विगत दिनों में बिहार में देखा किस तरीके से ये लोग चाह रहे थे कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करें, जाके नड्डा बोल रहा है कि हम लोग क्षेत्रीय पार्टी को खत्म करेंगे, आप किसी को कैसे राजनीति में खत्म कर सकते हो? ये आप थोड़ी तय करोगे, जनता तय करती है किसको खत्म करना है, किसको लाना है। आपको जनता ने लाया, आपको 8-9 साल समय दिया, जनता भुगत रही है, एक गलती का पश्चाताप कर रही है। मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज करता हूँ, जो भी भाजपा के दिल्ली के जो लोग हैं वो हमसे बहस कर ले, आके आंकड़ों के हिसाब से गलत है तई लोग करते रहते हैं, केवल अपने जो आका है उनसे सीख लिए केवल बस गलत है तई करने, देखते हैं किस तरीके से कन्हैया जवाब देते हैं, बोलती बंद कर देता है। ये लोग मोदी को बाप मानते हैं, अरे बेवकूफ, मोदी तुम्हारा बाप होगा, पूरे देश का बाप थोड़ी है। जब पत्रकार की ईमानदारी आप नहीं खरीद पाए तो आप चैनल को ही खरीद लिए। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हमारे देश में महंगाई नहीं है। आज आप देखे रामलला ग्राउंड में आकर राष्ट्रीय भाजपा के अध्यक्ष भी देखे, नरेंद्र मोदी जी भी देखे कि आज जिस तरह से हिंदुस्तान के कोने कोने से पूरे किसान मजदूर और हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ पे पहुँचा है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जिस तरह से किसानों का शोषण किया, जिस तरह से बेरोजगारों को लिए कहा कि 2 करोड़ नौकरियां हर साल देंगे लेकिन उसके बदले में कोई नौकरी रोजगार के तौर पर नहीं मिली, आज यही कारण है कि बेरोजगार सड़कों के ऊपर घूम रहा है। आज जहां पे फौज में हमारे लोग सेना में भर्ती होते थे, सुरक्षित होते थे और 14-15 सालों तक नौकरी करके एक अच्छा जीवन व्यतीत करते थे, आज उन नौजवानों की नौकरी को भी काट दिया गया। आज 4 साल के लिए उनको अग्निवीर के तौर पर नियुक्त करने का इन्होंने, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, हाल ही में ही पिछले अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में 1 लोकसभा का चुनाव हुआ और 3 विधानसभा के चुनाव हुए और वो चारों की चारों सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती। और आपको याद होगा उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डीजल और पेट्रोल के रेट जो बढ़े हुए थे 15 से 18 रुपए, रेट दूसरे दिन ही घटाने पड़े। हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिखा दिया कि जो आज महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, खाने पीने की चीजों के ऊपर रेट बढ़े हैं, उनको लिए हिमाचल प्रदेश की जो जनता है उन्होंने भाजपा को नकारा है। और आने वाले चुनाव जो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे 68 सीटों में से 60 सीटें कांग्रेस जीत के आएगी और नरेंद्र मोदी के मौके पर एक बड़ा तमाचा लगेगा और मुझे आशा है उसके बाद देश के हालात सुधरेंगे, महंगाई पर भी काबू होगा और दूसरी चीजों के ऊपर। उन्होंने पिछले बाई इलेक्शन में भी अपनी पूरी ताकत लगाई लेकिन हिमाचल प्रदेश की जनता ने भाजपा को नकारा, नड्डा जी को नकारा और वहाँ पे 1 लोकसभा की सीट जो मंडी की सीट पड़ती थी, जहाँ से आज भाजपा के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं, वहाँ पे भारी मतों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हमारी जुरानी प्रतिभा सिंह जी आज हमारी प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उनको सांसद चुन के आज लोकसभा में भेजा। नरेंद्र मोदी जी भी हिमाचल प्रदेश में जब जब गए
आपको याद दिलाऊं, इससे पहले वो भाजपा के वहां पे प्रभारी रहे, तब भी चारों सीटें लोकसभा की कांग्रेस ने वहां पे जीती हैं। तो हिमाचल प्रदेश में मोदी का किसी तरह का कोई जादू न पहले चला न आगे को चलेगा, इस बात को मैं दावे से कहना चाहता हूँ। घपले बड़े 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 घपले मोटे मोटे मगरमच्छ खा जाए सब क्या नंगल जे हैं। मोदी कट्टर के करा बैंगन करेगा के करेगा, खा लिया सारा देश, लूट लिया नुखावन बड़ के गल, आम जनता भूखी मरा है, खा लिया सारा सौदा। डीजल का रेट देख ले के रेट है, राजनीति खेल रहे है, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, कितने ईडी छोड़ दी, कितने किसी की पार्टी तोड़ दी। यो देख ले यो हरियाणा में या इन की तो है अभिनेत्री फोकाट, उसकी सीबीआई नहीं हो रही, वो बेचारी कोर्ट में जा रही, यहाँ अपने कार्यकर्ता गुमराह कर रहे, उसका हक बढ़ता है उसका खानदान को उसका वारिस को, उसको वहाँ से टिकट दो, ये उसको टिकट नहीं देंगे। 5 किलो अनाज के अलावा और कोई स्कीम मोदी जी लाए क्या? किसानों के लिए उन्होंने कौन सी स्कीम लाए बताइए आप? 2000 रुपए के अलावा कोई स्कीम उन्होंने लाए? और मोदी जी पहले बोले थे कि हर सांसद एक एक गांव गोद लेगा, अब आप 10 साल होने वाले हैं तो दो दो गांव हर सांसद को गोद लेना चाहिए ना। आप दिखाइए कि 10 साल में उन्होंने जो गांव गोद लिया था वो गांव क्या हालत में है। वहां पे सारी तरक्की हो गई, सड़क गली मोहल्ले सारे बन गए, बिजली वगैरह सारी ओके है, तो ये सब चीजें अगर आप दिखाएंगे। अब आप देखिए मायावती ने एक पार्क बनाया था उत्तर प्रदेश में, उनके पार्क को सारी मीडिया ने कहा कि पूरा विकास का पैसा इन्होंने इस पार्क में लगा दिया है, इस वजह से उनकी सरकार चली गई। अगर मीडिया इस तरह से दिखाए अगर न्यूज को कि जो मोदी सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे हुए कि नहीं हुए। प्रॉब्लम यहीं पर है कि जो विपक्ष है वो एकजुट है नहीं, इस वजह से मोदी जी कामयाब है। नहीं तो ईवीएम के खिलाफ आप कहिए चुनाव है, हम तो बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं, क्यों नहीं जाते लोग? क्यों एकता नहीं है? जो है कहीं भी कोई भी बात कर रहा है। तो यूपी में कई गांव ऐसे हैं जहां मोदी जी से नफरत करते हैं लोग, उनको वोट देते ही नहीं, उस गांव में एक भी वोट नहीं मिला फिर भी वो वहां से जीते, कैसे जीत गए? तो इस तरह का उत्तर प्रदेश में खेल हुआ 2017 में, 2014 में भी हुआ, लेकिन उसके बाद 2017 के बाद सबको ईवीएम पे बिल्कुल फुल डाउट है। ईवीएम हट जाए आज, मैं आप देखिए पिछले चुनाव में, आप उत्तर प्रदेश का चुनाव की बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कैसे बीजेपी को सारे वोट मिले, उत्तर प्रदेश में बैलेट पेपर का आप देख लीजिए रीडिंग, बैलेट पेपर में वो हर जगह हारे हैं, ईवीएम में जीते हैं। बनारस में 3 ट्रक ईवीएम पकड़ी गई, क्यों पकड़ी गई भाई, एक्स्ट्रा ईवीएम कहाँ से आई? तो